धन्नो हो रखी है इस टाइम खाली, फटाफट कराते हैं फुल, धन्नो हो गई है फुल, कराते हैं पेमेंट और निकलते हैं फिर आगे। धन्नो में यहाँ से हवा भी चेक करा लेते हैं, पर काम चोर लोग यहाँ पे कभी मिलते ही नहीं है। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सचिन गौड़, और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं भी एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आता है तो सीधा मैं आपको लोकेशन पर मिलता हूँ, और जल्दी से दिखाते हैं आपको लोकेशन। अभी हम वहाँ से नीचे उतरे, अभी हम रास्ते में हैं, अरावली हिल से भी पहुँचे नहीं हैं। लैपेट हिल का रास्ता दूसरा है, खो गए हैं। विलेज के अंदर से आए थे और फिर विलेज से वापस जाके मेन रोड से आना पड़ा। और ये भी एक लेक मिली है, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बोट वगैरह भी हैं, और शायद ये पीछे तक भी है, उधर उधर भी लोग हैं वहाँ पर। तो थोड़ी देर यहाँ पर व्यू का आनंद लेते हैं और फिर यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अरावली हिल्स और लैपेट ट्रेल। और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे जो क्या कहते हैं खाने पीने के स्टैग वगैरह कहते हैं, छोटी गाड़ी वगैरह होते हैं, और पीछे भी काफ़ी हैं और हमें आगे भी मिलेगी। तो यहाँ पे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, और ऑफ रोडिंग के लिए और जिसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ी 4x4 गाड़ी हैं, वो आराम से यहाँ से एडवेंचर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। और ऊपर बकरी और लोग भी हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो तो, छोटे छोटे से। इफ़ यू रिमेंबर, ये वही जगह है जो आपने साल दो साल पहले देखी, क्योंकि मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं ऊपर चढ़ा था। और ये वही रेगिस्तान कह लो या ऐसे सैंड यूज जो भी कहते हैं, ये वही जगह है जो सुबह चढ़ा था, और घूमते घामते फिर यहीं पहुंच गए हैं और अभी आगे चलते हैं। गूगल के मैप के सहारे मत रहना, जब भी आओ लोकल से यहाँ पर पूछ लिया करो यही रास्ता है, अदरवाइज़ आप गाँव के अंदर जंगलों के अंदर घूमते रहोगे। गूगल मैप ने सेकंड टाइम फिर से घुमा दिया मुझे। और यहाँ पे देखो किसी ने अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, बेवकूफ लोग, ऊपर जाके वो फंस गई है, यहाँ पे जाके फिर वापस आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये है थ्रोटल शोटल लैपेट ट्रेल, और ये यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हैं गाड़ियाँ, बाइक वाले, और यहाँ एक थार वाला कर भी रहा है शायद, और वो सामने थ्रोटल शोटल का कैफे है लैपेट ट्रेल के नाम से, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है थ्रोटल शोटल और लैपेट ट्रेल। वेलकम टू, उसके नीचे का नज़र नहीं आ रहा है, ये देखो आवाज़ आ रही है कि गाड़ी क्यों कर रही है, वो भैया रील बना रहे हैं लैंडस्केप में, भैया की गाड़ी बंद हो गई लगता है, भैया की स्टार्ट हो गई है, गोल गोल घुमा रहे हैं लगता है, इनको गाड़ी चलानी आती नहीं है, रील बनाने के लिए आए हैं, धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं बस ये। और ये भाई को भी मारेंगे, वो भाई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, धूल मिट्टी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मिट्टी गीली है, और मेरे को डर है कहीं गाड़ी पलटा ना दें, हम देखते हैं कोई मूवमेंट कैप्चर हो जाए अच्छा वाला, तो चले खड़े नहीं तो हम कब के आगे चलते हैं। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। ये है लैपेट ट्रेल का बोर्ड और थोटो शोटल का, और वहाँ पे कैफेज वगैरह हैं और बोर्ड वगैरह लगे हैं, पर हम चलते हैं आगे। अरे दीवानो हमें पहचानो, मैं हूँ आया लैपेट ट्रेल अरावली हिल्स, और देखते हैं कौन से कैफे जाते हैं, भैया हमें मारेंगे, और भैया ने हमें छोड़ दिया कि वीडियो मत बनाओ नहीं तो तुम्हें सही में ठोक दूंगा। सारे कैफे वगैरह हैं, और ये है जंगल कैफे करके, स्विमिंग पूल रिजॉर्ट करके है, अरावली हिल्स करके नाम लिखा हुआ है, और देखते हैं क्या है। चुंबू करके तो इधर की है, अपने बैग में रख ले सामान। अशोका हिल्स नाम, और ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, और उधर बैठने का था वो मैं आगे दिखाता हूँ, और यहाँ इस तरह की सीटिंग वगैरह है, ये आपका बम्बू के नीचे हो गया और वो उस तरफ खाली में हो गया। तो अभी यहाँ पे आगे यहाँ से सड़क कम ख़त्म होती है जहाँ पे हम रुके थे, इसी के सामने हैप्पी पाई करके कैफे हैं, और अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे पूल है आगे से वो 2.5 फुट है, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 फुट का है,
और यहाँ पे बैठने का मेज इस टाइप का है और खाने पीने का कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप पीते वगैरह हैं तो आप अपना साथ में कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है पीने के लिए। यहाँ पे इस कैफ़े में क्या, यहाँ पे किसी भी कैफ़े में चले जाओ आई थिंक शो, क्योंकि जो लास्ट कैफ़े में गए थे जंगल वाले में वहाँ पे सब पी रहे थे, तो आई डोंट थिंक वो वहाँ से लेके पी रहे थे। और जो साइड में यहाँ पे है ठेका कहते हैं, ठेका ही कहते हैं, और वहाँ से लेके आप पी सकते हो आराम से। इसका स्विमिंग पूल का था 300 रुपये पर पर्सन पर आर, और उस वाले जो जंगल कैफ़े का था उसका था 400 पर आर पर पर्सन। और वहाँ पे रूम का रिजॉर्ट वगैरह से रूम वगैरह लेते हैं कपल वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे रूम का आई थिंक 5000 बोला था और यहाँ पे रूम का है 3000, और ब्रेकफास्ट वगैरह लेते तो 3400 का पड़ जाएगा। और भाइयों यहाँ पे ब्रेकअप आ गया, ब्रेकअप नहीं आया यहाँ पे ब्रेकर आ गया। देखो बोलना, और ये हम आ गए हैं हिमाचल में मनाली पहाड़, और साथ में हमने अपने साथ रेगिस्तान भी लाए हैं राजस्थान को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सैंडूज भी मिलेगा, रेती मिलेगा, आप यहाँ से चढ़ के ऊपर भी जा सकते हो। हमने साथ में गुड़गांव भी लाया, ऊपर से आपको पूरा गुड़गांव सिटी नज़र आएगा। चलते अभी आगे यहाँ से, और देखिए ऊँट, ऊँट का मुँह देखिए, ऊँट ऊँट कर, और यहाँ पे थोड़े थोड़े स्टॉल वगैरह लगे हैं खाने पीने के, आपको खाने पीने की बताएंगे अभी। और साथ में यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग भी है, ट्रैकिंग के लिए रास्ता जा रहा है, हम अपनी स्कूटी लगाएंगे इधर और ऊपर चलेंगे, क्या है देख के आएंगे कैसे नज़ारे हैं। आप जब भी अभी यहाँ आओगे तो आपको स्टॉल वगैरह मिलेंगे, स्टॉल वगैरह के जस्ट साइड में ही ये एक रोड जा रहा है ऊपर की तरफ, ट्रैकिंग थोड़ा सा ट्रैकिंग है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं मिलकर कैसा ऊपर क्या है। लोग इतने बावरे हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और हर संडे और वीकेंड्स पे अपने आते हैं यहाँ, हल्का सा छोटा ट्रैक करते हैं, पहले शायद स्कूटी वगैरह भी आ जाती थी बट इस रोड ख़राब होने की वजह से अब पैदल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी, बट ले जाने वाले बाइक आराम से ले जा सकते हैं, इतना ख़राब भी नहीं है रोड, बट ख़राब है, लिटरली ख़राब है, बट जिनको ऑफ रोडिंग का तजुर्बा है, जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ओबियसली लेके जाएंगे एडवेंचर के लिए अपने, तो आप भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ध्यान से आए, यहाँ से ज़मीन ढह गई है नीचे की तरफ, तो अपनी दूरी बनाए रखें और साइड से ऊपर जाएं, और स्कूटी बाइक ना ही लाए तो अच्छा है यार, तब क्या हो जाए कुछ नहीं पता इस रास्तों पे। और बाकी काफ़ी हार्ड है, मतलब पैदल चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही चले हैं, और सांस फूल गया मैं तो भाई बैठ गई, और ये ज़्यादा नहीं 100 मीटर होगा आई थिंक, अभी मेरे को जाना है, कुछ दिन में निकल रहा हूँ, मतलब आई विद इन 1 वीक निकल रहा हूँ हिमाचल के लिए, वहाँ ट्रैक है 6 किलोमीटर का या 11-12 किलोमीटर का, यहाँ पे याद है वहाँ क्या होगा। और थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद व्यू कुछ ऐसा है, और वो स्टॉल वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह खड़ी हैं, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं ऊपर, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। ये इस रास्ते से आगे जाना है, इस रास्ते तक है, ये 10 फुट का एक शॉर्टकट मिला है, चलिए शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट लेने तो माहिर है भाई, हर भी लोग में मिलते होंगे शॉर्टकट। और ये हम चढ़ गए, फाइनली हम चढ़ गए भाई, सो वहाँ से चढ़ गए हम बहुत नीचे, देखो आप देख सकते हैं बहुत नीचे, 10 फीट था, ज़्यादा नहीं था। ये भाई जा रहे हैं ऊपर शॉर्टकट मारे, अगर ये पहुँच जाते हैं ऊपर तो हम भी ट्राई करेंगे, इनको जाने दो, इस भाई के बुल्लू में कुछ हो गया, और मुझे लगा मेरी सांस पहाड़ चढ़ने की वजह से हो गया, अभी पता चला ये इतनी धूप हो रही है ना, दिख रही है क्या, ये इतनी गंदी धूप हो रही है ना, देख सकते हैं, इसकी वजह से ये हालत हो रही है मेरी। संडे का सदुपयोग करते हुए बट गलत टाइम पे, सन ने हमें सबको किया ऑल आउट, सबसे पहले मेरे को आउट किया, और ये कुछ चमक रहा है सोने सोने सा रेता, आगे फाइंड आउट करते हैं, अगर सोना मिलता है गोल्ड मिलता है तो आधा गोल्ड मैं अपने सब्सक्राइबर में शेयर कर दूंगा, तो फटाफट आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सो दैट मैं आपको अपना गोल्ड शेयर कर सकूं। इनमें गोल्ड मिला तो देखिए आप, चमक रहा है बहुत ज़्यादा, चमक रहा है पीछे भी बहुत चमक रहा है। यहीं से अपने एक व्यू देखते हैं और चलते हैं वापस चलते हैं, हालत नहीं है, हालत क्या है, बॉडी को एक बार संभाल भी लें, बट धूप से कैसे लड़ सकते हैं यार सन से,
आप व्यू देखो, और फोटो वोटो खींचो, काफ़ी इतना व्यू, इतना ऊपर चढ़ के आ गया, बहुत ऊपर चढ़ के आए वहाँ से, फिर वहाँ से नीचे लेके, अब पता नहीं वाला रास्ता है या अंदर से कोई रास्ता, आई डोंट नो, बट इनफ फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई लोकेशन के साथ, नए एडवेंचर, नई मस्जिद, नहीं यार गर्मी के बोला नहीं जा रहा, बाय, गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। नीचे आ गए हैं, वो धन्नो खड़ी है, गर्मी के हमारे मेरी हालत बहुत ख़राब है, बट यहाँ पे रिफ्रेशमेंट आपको सारी मिल जाएगी, मैगी सैगी जूस, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, मतलब सारे स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे एनर्जी के लिए। तो कुछ खाते हैं, मैगी वगैरह ऑर्डर कर लिए, खाते हैं और सीधा निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। और दिल्ली यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, मतलब मेरे को 50 किलोमीटर पड़ा मेरे घर से, और डेढ़ से दो घंटे, डेढ़ घंटे में आ गया, जिसको नहीं पता हो तो उस पर डेढ़ से दो घंटे लगे।